तौबा में और इस्तिग़फ़ार में क्या फ़र्क है? तौबा अमल है, इस्तिग़फ़ार कौल है, और वैसे ये दोनों होते हैं तो बात मुकम्मल होती है, तौबा मुकम्मल होती है। ज़ुबान से इंसान इस्तिग़फ़ार करता है, अल्लाह ताला से मुआफ़ी मांगता है, अल्लाह तुझे मुआफ़ तू मुझे मुआफ़ कर दे, अमली तौर पर वापस आता है। तो इस्तिग़फ़ार करने के बाद इंसान अगर तौबा न करे, यानी सिर्फ इस्तिग़फ़ार करे, वैसे तो इस्तिग़फ़ार और तौबा ये हम माना भी इस्तेमाल हो जाते हैं, मुतरादिफ़ात भी हैं, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं एक दिन में, एक हदीस में फरमाया, मैं एक दिन में 70 से ज़्यादा मरतबा तौबा और इस्तिग़फ़ार करता हूँ, तुम भी तौबा और इस्तिग़फ़ार किया करो। फिर आपने फरमाया, एक हदीस में फरमाया, मैं 100 दफ़ा तौबा और इस्तिग़फ़ार करता हूँ, तुम भी तौबा और इस्तिग़फ़ार करो। तो इसका मतलब है ये कौल और अमल लाजिम मुलज़ूम है, जुड़े हुए हैं, कि आप साथ जो है वो ज़ुबान से कहें अस्तग़फिरुल्लाह रब्बिग़फिरली, अल्लाह से गुनाह की माफ़ी मांगे, और साथ अमलन जो भी गुनाह कर रहे हैं उससे वापस आ जाएं।